वेलकम फ्रेंड, पार्ट 8 में आपका स्वागत है। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर A13 = 16 दिया हुआ है हमें, और A7 = A5 + 12 दिया हुआ है, और इतने इन्फॉर्मेशन से हमें पूरी एपी को डिजाइन करना है। एपी क्या होगी वो हमें पता करना है, और एपी कब बनेगी। किसी भी एपी को बनाने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस डी चाहिए। इट मीन्स हमें इनडायरेक्टली हमें ये ढूंढने के लिए बोला गया है, क्योंकि अगर ए और कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा तो हम एपी को डिजाइन कर पाएंगे, एपी को बना सकते हैं। तो चलिए पहले टारगेट करेंगे, ए और डी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे हमें ए और डी की वैल्यूज मिलती है। तो आइए मैं देख लेता हूं यहाँ पे A13 दिया हुआ है, तो A13 को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं 12D, आपको पता ही होगा राइट। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है। अब यहां पे मेरे पास A7 = A5 + 12 दिया हुआ है राइट। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, 7 है तो 6D हो जाएगा और 5 है तो 4D हो जाएगा प्लस 12। दोनों केस में A की वैल्यू सेम होगी तो ये सॉल्व हो गया, 6D = 4D = 12। इसको यहां पे लेके जाएंगे, 6D - 4D = 12, ये हो गया 2D = 12, D = 12/2 = 6। हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है, इक्वेशन 2 के अंदर हमें D की वैल्यू आ गई है ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस D की वैल्यू को मैं यहां पे प्लेस करता हूं, पुट 2 in 1, तो D = हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। हमारे पास A13 = A + 12D था, A13 की वैल्यू हमें पास थी कितनी, 16, तो ये 16 आ गया। A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 12 × D की वैल्यू 6 आई थी, 16 A + 12 6 = 72, इसको आप यहाँ पे लेके जाओगे तो 16 - 72 = A। आप देख लीजिए क्या वैल्यू आएगी, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 72 - 16 कीजिए आप 12, 6, 6 और 5, 56 = A आ जाएगा। अब पता नहीं यहाँ पे A की वैल्यू इतनी कैसे आ रही है, हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। हम सही तो जा रहे हैं, डिफरेंस तो फिलहाल 6 का करेक्ट आ रहा है इसके अंदर। अब A की जो वैल्यू है वो इतनी कैसे आ रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। 16 A + 12 6 = 72, तो फिलहाल हो सकता है शायद मेरे क्वेश्चन लिखने में कोई गलती हो, मैंने A13 की वैल्यू कुछ और दी हुई थी और कुछ और लिख दी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल हमारा आंसर राइट है, A = -56 और D = 6 ही आंसर आएगा। और आप देख सकते हो D का जो डिफरेंस है यहाँ पे 4 और 10 है, दोनों में 6 का डिफरेंस है, इट मीन्स हमारा आंसर राइट है। मिलते हैं पार्ट 9 के अंदर एक नए क्वेश्चन के साथ।